नमस्कार प्रणाम, मैं आपका लोक गायक अमित चौधरी। और दोस्तों, आज ऐसी कलाकार से आपसे रूबरू कराता हूँ जो कलाकार किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और ख़ासकर YouTube के मामले में अगर वो कलाकार YouTube पे आके किसी वीडियो में एक झलक भी दिखा के चली जाए तो मिलियन में उनके व्यू आते हैं। मैं उसी कलाकार की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोक नृत्यिका मैडम गौरी रानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी, राम राम। मैं आपकी अपनी गौरी नागौरी, और ये है हमारे अमित जी, जिनके साथ हमने काफ़ी टाइम पहले एक प्रोग्राम किया था, फिर उसके बाद हमारी किसी मैटर को लेके मुलाकात हो नहीं पाई थी, तो आज हम बहुत दिनों से मिले हैं, तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप आज हम काफ़ी टाइम बाद मिले, एक बार आज से लगभग 4-5 साल पहले, लगभग ना 4-5 साल पहले यूपी में नोएडा में प्रोग्राम हुआ था, और नोएडा में मैडम गौरी रानी आई थी, इतना तहलका मचा दिया। वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी YouTube पर, किस किस ने देखी वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जल्द ही हरियाणा में इनका बहुत अच्छा गाना है, कौन सा गाना है? सेंट आया है, ब्लैक घाघरा आया है, बहुत सारे सॉन्ग किए मैंने अभी। अजय उड्डा के साथ इनका सेंट गाना था, कौन सा सेंट यू मारा, गांव पाछे पड़ गया सारा, और ब्लैक घाघरा इनका आया। अभी नए प्रोजेक्ट हरियाणा में क्या क्या देने वाले हो आप? मेरे एक आइटम सॉन्ग आने वाला है, वो बहुत ही अच्छा आएगा, उम्मीद है मुझे, क्योंकि अमित सर है ना डायरेक्टर, वो उनका भी नाम अमित जी है। अमित चौधरी। हाँ जी, तो उनके साथ मैंने किया था, काफ़ी मज़ा आया था काम करने में, और वो बहुत जल्द आने वाला है। तो गौरी, आपको हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान तो आपका एक अपना क्षेत्र है, लेकिन हरियाणा में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं राजस्थान से बाहर आई। और यहाँ से आगे कहाँ तक जाना चाहते हो आप? बॉलीवुड। बॉलीवुड, बॉलीवुड कन्फर्म ये जाएंगी आज मेरा इस वीडियो में, ये स्टेटमेंट ले लीजिए, क्योंकि बच्चे के पांव भूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। जब गौरी अपना काम करती है, अपना कोई भी डांस करती है, पूरी आत्मा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करती है। और गौरी रानी के बहुत सारी वीडियो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि काफ़ी बीच में हमारा कनेक्टिविटी टूट गई थी, और अब हम भी आपके साथ कुछ काम करेंगे बेशक। इसमें कोई दोहराई है? तो गौरी, कोई दिल की बात को हमारे चैनल, जो हमारे श्रोता है हरियाणा के, जो मेरे और छम्मा के फैन है, वो इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके बारे में कुछ कहो, नए साल की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और नए साल की भी, और हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना हमारे देश से बाहर निकल जाए। कोरोना काल ने सबको दुखी करा है, आपको कितना परेशान किया है? परेशान तो हुए ही है, एक टाइम ऐसा था कि घर पे रहने का टाइम नहीं था, और ऐसा टाइम आया कि घर ही घर में रहे, बाहर निकले तो पुलिस डंडे मारेगी। परेशान तो खूब हुए। बिल्कुल गौरी, आपके जीवन के ऊपर मैं बात करूं, इस लाइन में कितने साल पहले आप आए थे? काफी टाइम हो गया है, मैं 6th क्लास से इस लाइन में हूँ। अच्छा, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु ऐसे तो 3-4 है, वैसे मेन तो मेरे पापा ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा अच्छा, पापा माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। दिनेश शैला है, ये राजस्थान के प्रसिद्ध कॉमेडियन कलाकार दिनेश शैला हमारे साथ है। आज हम राजस्थान में फंसे हैं, दो दो राजस्थान। राम राम भाई। राम राम आप सभी दोस्तों को, हैप्पी मकर संक्रांति। आज के दिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ग्राम चकेरी के अंदर, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि राजस्थान और हरियाणा के टॉप 10 नंबर 1 कलाकार हमारे बीच इस मंच पर आज प्रस्तुति देंगे। आप सभी के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ। हम लोग राजस्थान में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई हरियाणा का एक्टर्स आता है, तो हमें भी खुशी होती है, हम वहाँ जाते हैं, जैसे सम्मान हमारा होता है, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे सर। तो एक बार कह दो, पधारो हमारे देश। पधारो माँ के देश। क्या बात, माँ के देश। तो गौरी, एक सवाल आपसे और करूँ, आप जैसे पूरी दुनिया में प्रोग्राम करते हो जी सर, इंडिया से बाहर भी गए हो? नहीं, अभी इंडिया से बाहर नहीं गए। अब पासपोर्ट बन गया? नहीं बना। तो बनवा लो, जल्दी हम इंडिया से बाहर प्रोग्राम करने जाने वाले हैं। हाँ, मेरा एक अभी हरियाणा का ही शूट था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका दुबई शूट करेंगे, तो आप जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवाओ। अच्छा, अब मैं एक बात लास्ट अंत कर देता हूँ, वीडियो का लंबी बात हो जाएगी, फिर आगे कमेंट में करते रहेंगे बात। अब जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग अब आगे एक बार मिलके, फिर काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं, है ना, तो अब बीच में कुछ परेशानियां थी आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक, कुछ परेशानी थी, अब आप कार्यक्रम खुल के दोगे, कोई रोक टोक नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, पर अपना कांटेक्ट नहीं हो पाया था। अब कांटेक्ट हो गया, मैं आपके जो प्रोग्राम में बुक कर लूँ हरियाणा में?
ओके डन। पक्का डिश तो नहीं दोगी? नहीं नहीं डिश तो देने का आज तक रिकॉर्ड ही नहीं है मेरा सर। चलो ठीक है, अब कोई भी कार्यक्रम गौरी नागौरी का अगर हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। और गौरी एक अच्छी कलाकार है, वैसे भी गौरी है, अभी आज ही मेरी भांजी कर दी गौरी नागौरी, गौरी भी और नागौरी मतलब गौरी भी नहीं है। तो आपका गाँव कौन सा पड़ता है? नागौरी, इसीलिए तो नागौरी लगाती हूँ सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी प्रस्तुति आज दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बाय। नमस्कार।